उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच चुका है। मड़ियाहू थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद की भी जान ले ली। ग्रामीणों की सूचना पर आलाधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पत्नी से हुए मामूली कहासुनी के बाद इस शख्स ने ये खौफनाक कदम उठाया। तो सबसे पहले ये शख्स जो है अपनी पत्नी की हत्या करता है, 3 बच्चों की जान ले लेता है और फिर खुदकुशी कर लेता है। तो आप समझिए कि यह शख्स जो है किस मानसिक स्थिति में था और क्या कुछ इसका अप्रोच था कि महिला से अपनी पत्नी से जरा सी कहा सुनी होती है और यह शख्स जो है पूरे परिवार का काम तमाम कर देता है। एक पूरा परिवार जो है काल के गाल में समा चुका है। पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करता है यह शख्स और फिर खुदकुशी भी कर लेता है। सर, ये भी जयरामपुर मामले में कुछ नया मोड़ आया है, उसके बारे में बताएं। जयरामपुर में जो मृतक नागेश विश्वकर्मा द्वारा स्वयं और अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों की हत्या करके स्वयं उसने जो आत्महत्या की है, उस प्रकरण में मौके से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उनकी छानबीन के दौरान